तीन चीजें हैं जो इंसान दुनिया में छेड़छाड़ इन तीन चीजों के साथ करता है, इसका अज़ाब अल्लाह दुनिया ही में दे देते हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। क्या है दुनिया, बोलो ना, दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। दारुल जज़ा तो कल क़यामत का दिन है, वहां पर अच्छाई का बदला मिलेगा, वहां पर बुराई की सजा होगी, ये दारुल जज़ा नहीं। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसको छेड़ेगा इंसान दुनिया में रहते हुए, अल्लाह इसका अज़ाब दुनिया ही में नाज़िल फरमाएगा। नंबर एक मस्जिद, इसकी लोग बेहुर्मती करेगा, नाकदरी करेगा, बेअदबी करेगा और इसकी तौहीद करेगा। इसके तौहीद में आता है मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करना। दूसरा, मस्जिद की अजान जब हमारे कानों में गिरती है, इख्तदार के बावजूद, सेहत के बावजूद, वक्त के बावजूद, हर चीज की फरामानी के बावजूद कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते, ये भी नाकदरी की अलामत है। ये भी एक दिन आएगा तुम जनाजों में लेटे हुए होंगे, चाहोगे उठ के नमाज पढ़ना फिर भी पढ़ नहीं पाओगे। आज अल्लाह ने सेहत दी है, वक्त दिया है, अगर पढ़ना चाहिए ना, ये मस्जिद की नाकदरी है। मस्जिद की क्या है, नाकदरी है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह के आज़ाब को दावत देना है। दूसरे नंबर पर कुरान, दूसरे नंबर पर जिस कौम ने कुरान को पकड़ा है वो कामयाबी की चोटी तक पहुंची है। इसने छोड़ा है बसरी, तारीख गवाह है। और आज भी जो हमारी जिल्लत का जो सबसे बड़ा सबब बना है कि इस उम्मत ने कुरान करीम को छोड़ दिया। पढ़ती नहीं, अगर पढ़ती है तो बगैर समझे पढ़ती है, न समझने की कोशिश करती है, न समझने के लिए मेहनत करती है और न पढ़ने की कोशिश करती है। दुनिया कमाने के लिए वक्त है और पूरी दुनिया को राजी करने के लिए वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो कुरान करीम को सीखने के लिए वक्त नहीं है, है ना। अफसोस की बात, दिमाग में नहीं आता। एक एक नट कहाँ फिट करना है वो दिमाग में आता है, एक एक ईंट घर बनाते हुए कहाँ फिट करना है वो दिमाग में आता है। नहीं, और उसके ऊपर पूरी जिंदगी थपा दिया, इस पर भी थपा दो ना। कब्र में ईंटें लगाना थोड़ी सी सवाल करेंगे, कब्र में नट कहाँ लगाना है वो थोड़ी सवाल करेंगे, कुरान का सवाल करेंगे। जिसका सवाल करेंगे उसकी मेहनत करो, जिसका सवाल करेंगे उस पर हमको अपनी जिंदगी थपाना है। कल कयामत के दिन क्या अल्लाह सवाल करेंगे, जिसका सवाल करेंगे उस पर मेहनत करेंगे तो वही जवाब आएगा। तो नंबर एक मस्जिद, नंबर दो कुरान, नंबर तीन माँ और बाप। जो दुनिया में रहते हुए इनके नाकदरी करेगा इसका आज़ाब अल्लाह दुनिया ही में नाज़िल होगा। एक बेटा बाप को मारते हुए चौराहे तक लेकर गया, बाप कहने लगा बेटा बस अब यहाँ से आगे न ले जा। बेटा कहने लगा क्यों, कहा कि मैंने भी मेरे बाप को मारते हुए यही तक लाया, मैंने भी मेरे बाप को मारते हुए यही तक लाया था, कहानी पूरी हो गई, अब इसके आगे मुझे न ले जा। तो क्या हमें बुरा नहीं होना है, क्या हमारे बच्चे जवान कभी ना होंगे। इस जिंदगी घर घर में आग लगी हुई है, माँ बाप को ठुकरा दिया जाता है, उनके दिल को पारा पारा कर दिया जाता है, उनके